हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये नेक वार्मर। यहाँ पर आप जो ये ग्रीन कलर का नेक वार्मर देख रहे हैं, इसको मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया हुआ है। तो ये जो नेक वार्मर है आपके 5 से लेके 7-8 साल तक के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचबल होता है। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए, इसका शेप जो है आगे जब आप पहनाओगे, सपोज़ ये नेक है, ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है, ये आगे इस तरीके से ट्राइंगल शेप में आता है। और इसको आप ये देखिए ओपन खुल जाएगा, कवर करना चाहते हैं तो कवर हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए बैक साइड से देखिए, ऐसा दिखेगा। ये देखिए बैक साइड से इसके इस तरीके से गार्टर रिब आती है। ये देखिए, तो ये हमारा नेक वार्मर बनकर तैयार होगा, इस तरीके से आपको लगेगा। तो अब मैं जो बताने वाली हूँ वो इससे कम फंदों में बनाऊँगी। यहाँ पर ये जो नेक वार्मर मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने 98 फंदों में बनाया हुआ है। अगर आप एडल्ट साइज़ में बनाना चाहते हैं तो 130 स्टिचेस ले सकते हैं। बेसिकली डिवाइडेशन क्या होता है कि आपको इसको बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 8 लेना पड़ता है प्लस 2 स्टिचेस, जो कि हमारे एसिंग के रूप में काम आते हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए, बेसिक यही था कि इसमें आपको 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं बस। इसके बाद में बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, चाहे आप एडल्ट का बनाएं, चाहे बच्चों का बनाएं, किसी का भी बनाएं, किसी भी एज ग्रुप का बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो फिर मैं आपको इसका स्ट्रेटनेस दिखाती हूँ कि इस किस तरीके से दिखता है। ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से काफ़ी एक्सपेंड होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सैम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 8 के मल्टीपल में मींस 24 प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए, तो टोटल फंदे मेरे पास यहाँ पर 26 हैं। तो देखिए आप क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि सेंटर में हमें यहाँ पर 2 फंदे रखने हैं। तो उससे पहले देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे हमारे लेफ्ट साइड रहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे हमारे राइट साइड रहेंगे। तो सेंटर में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे। तो देखिए ये जो 12 फंदे हैं, तो अभी देखिए क्या करेंगे, फाउंडेशन रो के देखिए क्या करना है। फर्स्ट रो पहला फंदा इस तरीके से स्लिप किया यहाँ पर देखिए ऐसे। इसके बाद में हम सभी फंदे जो हैं सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से आगे से नेडल डालकर इसको बना दीजिए। तो देखिए फर्स्ट रो हमने बना ली थी, आप देखिए सेकंड रो में हमें क्या करना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे इस तरीके से, इसके बाद हम सभी फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे ऐसे। तो ये आप किसी में भी, जब भी आप किसी भी साइज़ का बनाएंगे तो आपको ये दोनों स्टेप ज़रूर फॉलो करने हैं, इसके बाद में ही हमारा पैटर्न शुरू होगा। तो अभी तक हमने यहाँ पर 2 रोज़ बना ली हैं। आप देखिए क्या करना है कि जैसा कि मैंने पहले बोला, 12 फंदे हम लेफ्ट साइड रखेंगे, 12 फंदे हम राइट साइड रखेंगे, सेंटर में हमारे पास 2 फंदे होंगे। तो देखिए क्या करना है, ये जो फंदा है इसको आप चाहें तो स्लिप करके बना सकते हैं, अदरवाइज आप पर्ल वाइज भी बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पर्ल वाइज ही बना लेंगे। देखिए इसको भी उल्टा बनाया यहाँ पर, अब हम 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 3, और ये रहे हमारे 12। तो यहाँ पर देखिए हमने 12 स्टिचेस जो है हमने पर्ल वाइज बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, थ्रेड पीछे कीजिए, अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, मींस 2 फंदे जो है नेट वाइज बनाए हमने, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये वाले 12 फंदे भी, इनको भी हम उल्टा बनाते हुए ही कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो हो गई है। सेकंड रो में देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये फंदा हम बनाते हुए चल रहे हैं तो इसको देखिए हमने इस तरीके से बना लिया ऐसे, आप धागा पीछे कर दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट फंदा है। अब हम यहाँ पर 11 फंदे जो हैं हम
उल्ट सीधे ही बनाएंगे। देखिए 1 11, ये देखिए 11, तो मतलब जो हमने स्लिप किया था वो 12। बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो फंदा आपको रॉन्ग साइड में जैसा दिख रहा हो आपको वैसा ही बनाना है। अगर सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाना है, अगर उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाना। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में हमारे पास, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो में सीधे बनाए थे तो सेंटर में, अब रॉन्ग साइड में हमें यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हम उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। अब थ्रेड पीछे करके यहाँ पर ये सभी के सभी फंदे हमें यहाँ पर सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम पूरा सीधा बनाते हुए ही कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी सरल है, बस आप देखिए। अब आप जब आप इसके 8-10 रोज बना लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल दिखेगा। ये देखिए ये हमने पूरा बना लिया, रो पैटर्न की रो 2 भी कंप्लीट हो गई है हमारी। आप देखिए क्या करना है, अभी तक हमने 12-12 फंदे यहाँ पे बनाए थे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको एज इट इज छोड़ेंगे, यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। नेक्स्ट जो होगा 2 सीधे फंदे हम यहाँ बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाना है। ये देखिए इसको सीधा बनाया, इस बार क्या करना है, देखिए फर्स्ट और सेकंड रो में हमने क्या किया था, इसको पर्ल वाइज ही यहाँ रखा था, इस बार हम सभी के सभी फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देखिए 8 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बना लिए। अब ये वाला फंदा भी देखिए इनको भी सीधा ही बनाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, देखिए 12 फंदे हमारे पास थे यहाँ पे, जिसमें 10 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बनाए। धागा आगे लाइए, ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं इनको उल्टा बनाएंगे ऐसे, धागा पीछे कीजिए अगेन, सेंटर के 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ लाइए। देखिए जो हमने अपने लेफ्ट साइड किया है सेम हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो हमने देखिए सीधा बनाने के बाद में 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे, ये देखिए हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करके सभी के सभी फंदे, जो 10 फंदे हैं उनको हम सीधा ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अगेन रॉन्ग साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी फंदे आपको उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाना है, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाना है। तो यही पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर, हमारे पास कितने हैं, 3 6 9 और 1 10, 10 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब देखिए जो फंदे हमने थर्ड रो में यहाँ पे सेंटर वाले फंदे के बीच में ऐसे देखिए, सेंटर वाले फंदा जो हमारा था ये वाला यहाँ पर हमने उल्टे बनाए थे उसके साइड साइड में, तो ये हमारे बैक साइड में सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम थ्रेड पीछे करके सीधा बनाएंगे, 2 2 सीधे बनाए, धागा आगे लाइए। अब ये देखिए सेंटर वाला फंदा है तो इन दोनों को हम उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कीजिए अगेन, 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधा ही बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। अब यहाँ पर 10 फंदे जो हैं हमें उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हमें दिख रहा है अभी। नेक्स्ट देखिए क्या करना है हमें, कि अभी तो हमें यहाँ पे हमारे पास 10 फंदे थे जिनको हमने सीधा बनाया था। अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ कीजिए। आप यहाँ पे देखिए ये सेंटर के बगल में जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको छोड़कर यहाँ पर भी हम इस फंदे को, ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं इनको सीधा बनाएंगे और बाकी के सभी फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो देखिए 2 4 6 8 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। तो हर बार में
जब भी हम फ्रंट साइड से बनाते हैं दो दो का फंदों का फेर होता है, तो बस आपको यही करना है। देखिए यहाँ पर हमने फिफ्थ रो में आठ फंदे सीधे बना लिए। देखिए 2 4 6 8 आठ फंदे सीधे ये हैं। अगेन देखिए यहाँ पे हमें अब सीधा बनाना है ऐसे। पहले सेंटर में सीधा था, फिर उल्टा हुआ, अगेन सीधा, फिर जब नेक्स्ट टाइम पे हम बनाएंगे तब यहाँ पर उल्टा। तो यही फॉलो करना है दो दो के उसमें, दो बार सीधे दो उल्टे इस तरीके से। ये देखिए सीधा फंदा मिला, सीधा बनाया सेंटर का, धागा के लाइए उल्टे फंदे हैं, उल्टा बनाएंगे। अब देखिए सेम जो यहाँ पे सेंटर के जो भी इधर फॉलो होगा वो आपको राइट साइड भी करना है। आप ये देखिए यहाँ पे दो फंदे सीधे, ठीक है। अब धागा आगे लाइए, अब हमें यहाँ पर आठ फंदे उल्टे बनाने हैं ऐसे। तो जो एक सेट है वो हमारा उल्टे फंदों का बनता है, एक सेट सीधे फंदों का बनता है। तो यही हमारी लाइंस बनकर जाती हैं। देखिए जो मैं सेट बोल रही हूँ एक सेट, ये देखिए हमारी फर्स्ट और सेकंड रो का सेट है। यहाँ पर जो आपको सीधे फंदे दिख रहे हैं ये हमारी थर्ड एंड फोर्थ का है सेट है। अब जो हमने बनाई है ये रो फिफ्थ है, सिक्स हम बनाएंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको रो फर्स्ट एंड सेकेंड की तरह ही दिखेगी। तो देखिए अभी तक हमने रो पैटर्न की रो 2 4 6 अभी तक हमने पैटर्न की रो 6 कंप्लीट की है। तो आगे भी देखिए इस वीडियो को, ये देखिए ऐसे फर्स्ट फंदा ऑप्शनल है, आप स्लिप करके बनाना चाहें तो आप स्लिप करके बनाइए। आप देखिए यहाँ पे हम पहले हमने आठ फंदे उल्टे बनाए थे, अब हम 6 बनाएंगे। देखिए ऐसे दो सीधे बनाते हुए जाएंगे, एक बार एक साइड सीधा बनेगा एक साइड उल्टा बनेगा, आपको यही ध्यान रखना है। ये देखिए 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखिए जो सीधा फंदा दिख रहा है दो, इसके बाद में उल्टा है, अब यहाँ पे उल्टा बनाएंगे ऐसे, ट्रट पीछे कीजिए। आप सीधे फंदे यहाँ पे हमें दो दिख रहे हैं, इनको सीधा बनाइए, अगेन आगे लाइए, उल्टे फंदे दिख रहे हैं उल्टा बनाएंगे, सेंटर का फंदा सीधे है सीधा बनाया, अगेन उल्टे फंदे मिले हैं उल्टा बनाया, अगेन सीधे फंदे मिले हैं दो सीधा बनाया, फिर उल्टे फंदे मिल रहे हैं हमें, फिर से उल्टा बनाया। आप देखिए यहाँ पर हम 3 4 6 फंदे मीन्स टोटल 6 फंदे हम सीधे बना देंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए पॉइंटी शेप आ रहा है। तो जब हम बनाते जाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल खिसता हुआ चला जाएगा और एकदम ट्रायंगल टाइप का शेप आएगा। बैक साइड में इसको जो जैसा दिख रहा है सेम बनाना है। देखिए ये हमने 6 फंदे उल्टे बना लिए, फिर हमें सीधा दिखा, सीधा बनाया, अगेन 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधा ऐसे। तो इस तरीके से बनाते हुए हम तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारे पास जो भी फंदे हैं वो सभी के सभी फंदे दो सीधे दो उल्टे में कन्वर्ट ना हो जाएं, तब तक हम उसको बनाते हुए जाएंगे। तो अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको थोड़ा गला और बड़ा चाहिए तो आप उसको ऊंचा और कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये पैटर्न हमारा ऐसे दिख रहा है ना, तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पे देखिए सभी फंदे हमारे, ये देखिए सब धीरे 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 सब करके देखिए सब के सब फंदे हमारे सीधे उल्टे फंदों में कन्वर्ट हो गए, दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे। तो इस तरीके का देखिए बन के जाता है। ये देखिए तो बैक साइड में हमारे पास यहाँ पर ये कार्टेड रिब्स होंगी ऐसी वाली, और फ्रंट साइड में हमारे पास यहाँ पर ये सीधे फंदों की रिब्स होंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा
जब ये हमने पूरे फंदे मैंने बना लिए थे 98, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे इतना पोर्शन जो है ये वाला थोड़ा सा और बड़ा बनाया है, उन्हीं फंदों को फॉलो किया है। तो ऑलमोस्ट अराउंड मैंने यहाँ पे 10 से 12 लाइंस सीधे दो उल्टे का कंटिन्यू किया, उसके बाद में बाइंड ऑफ किया है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि इसमें बाइंड ऑफ कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ पूरा बाइंड ऑफ नहीं करते हैं, अलग अलग से करते हैं या सिलते हैं। तो इस तरीके से हम यही सेट फॉलो करेंगे। देखिए, दो उल्टे, दो लाइन्स उल्टी, फिर दो लाइन सीधी, फिर दो लाइन उल्टी, फिर दो लाइन सीधी, इस तरीके से बनाते हुए हम इस पूरे फंदे होने तक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने तब तक बनाया है जब तक कि हमारे पास दो सीधी दो उल्टे का पैटर्न ना आ गया हो। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा फंदे हो तो आप काफ़ी बनाना पड़ेगा, वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग पे होगा। तो ये देखिए, इसके बाद में हम यहाँ पर अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर दो सीधे दो उल्टे का थोड़ा और भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ इतना आप यहाँ पर बंद कर लीजिए। तो जब आप बंद कर लेंगे तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बंद करके बताती हूँ तो ये कैसा दिखेगा। तो देखिए, बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, पहला फंदा ये स्लिप किया हमने, अगेन एक फंदा बनाया इस तरीके से और इसको इसके ऊपर से निकाल दिया, फिर देखिए ऐसे। तो इस तरीके से करते हुए हम इस पूरे को बंद कर लेंगे। और यहाँ पर आप ट्राई करिए कि थोड़ा सा आप इसको लूज़ लूज़ ही बाइंड ऑफ करें, ताकि जब ये आप गले में इसको पहने तो ये स्ट्रेच हो और आसानी से जा सके। और अगर आपका हाथ टाइट है बाइंड ऑफ करने के लिए, तो आप यहाँ पर इस स्टेज पे बेकिंग थोड़ी मोटी नेटल ले सकते हैं। तो देखिए, इसको सिलना कैसे, अभी हम अपने सीधी साइड में, और ये जो यार्न है मेरे पास यहाँ पर, ये हमारे गले की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, जहाँ पर हमारे सभी फंदे दो सीधे दो उल्टे हो चुके हैं। तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे, सीधा भाग हमारा ऊपर है। अब जितना गला हमें मोड़ना है उतना फंदा हम यहाँ पर उतना पोर्शन सिल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये वाला इस तरीके से सिल रही हूँ टेम्परेरी। तो आप सिलने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, देखिए ऐसे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ तक हमें गला मोड़ेंगे, तो जब हम गला मोड़ेंगे तो ये देखिए बैक साइड से कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। जो इसका सीधा वाला पोर्शन होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जिसमें जहाँ पर ये गांठ जैसी होगी वो अंदर चला जाएगा जब हम इसको टर्न करेंगे। तो मान लिया हमने इतना हमने सिल लिया है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, जो हमारा अब उल्टा पोर्शन था वो पहले अंदर था, अब ऊपर हो गया है। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं सेंटर में हमारे यहाँ पर उल्टे फंदे हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास, ये देखिए ऐसे। तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे सिलेंगे, तो ये देखिए ऐसे दिखेगा। तो ये अभी हमारा उल्टा है, इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ पर, देखिए ऐसे, और ये इस तरीके से मोड़ के आ जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा यार्न्स होंगे उनको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये इतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा, पर तरीका बिल्कुल बनाने का एक जैसा है, आप चाहे किसी साइज़ में बनाएं। देखिए, यहाँ पर जो पोर्शन हमारा गले में रहेगा वो हमने इसको पैटर्न को उल्टा करके सिला है, जो पैटर्न हमारा मुड़ेगा उसको हमने अपने इस पैटर्न को सीधा करके सिला है। तो ये देखिए, सिलने मुड़ने पे हमारा ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, और शेप जो होगा वो आप पहले देख ही चुके हैं, इस तरीके से आएगा ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। Thank you.